हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल गाइस। और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। बेसिकली जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस का मतलब समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है और लाइफ इंश्योरेंस में हमारे पास क्या क्या पॉलिसीज अवेलेबल है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस वर्ड से मैंने हमेशा कहा दैट एज द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, कि शब्द अपना अर्थ खुद बताता है। ठीक है, इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को इंश्योर्ड कर रहे हो। ठीक है, जिससे कि अगर कल को आपके साथ कोई भी घटना घट गई, हमें पता है कि ह्यूमन लाइफ कैसी है, अनसर्टनिटी बनी हुई है। ठीक है, कभी भी कुछ भी कैसी कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी आपके साथ दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो उस एक कंडीशन में आपको, आपने अपनी लाइफ को इंश्योर्ड करा है कि जहां आपका नुकसान होना होगा वहां लाइफ इंश्योरेंस से, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी दे देते हैं। अब वो क्यों दे रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी बांट रहे हैं वो, क्यों, क्योंकि आपने पॉलिसी ली है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी कितने तरह की पॉलिसीज हैं। ठीक है, आपने पहली चीज पॉलिसी ली है, आपने प्रीमियम भरा है। ठीक है, जिसमें कि जब आपकी वो मैच्योरिटी हो जाती है, या एज द केस में भी, वो आगे का टॉपिक है, ठीक है, वो आपको पैसा देते हैं, जिसमें कि कहने का मतलब कल को आपके साथ कोई भी परेशानी है तो आपने अपनी लाइफ को इंश्योरेंस करवा रखा है, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है। ठीक है भाई, जिस बंदे का 10 लाख रुपए डूब रहा था, अगर लाइफ इंश्योरेंस से 6 लाख आ गए, तो जहां 10 लाख डूब रहे थे अब वहां सिर्फ 4 लाख डूब रहे हैं। ठीक, तो लाइफ इंश्योरेंस ये है। ठीक, अब इसको एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं, सिंस लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है, लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, कि लाइफ जो है वो कैसी है, अनसर्टेन है, लाइफ में कभी भी कुछ भी कैसा भी घट सकता है। ऑल इंडिविजुअल्स ट्राई टू एश्योर देमसेल्फ ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, हर पर्सन हर इंडिविजुअल चाहता है कि मैं एश्योर हो जाऊं किसी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए, एटलीस्ट मेरे को कुछ पैसा तो मिल जाए। ठीक है, जहां 10 लाख डूब रहे थे वहां कम से कम अगर 4 लाख डूब रहे हैं तो 6 लाख तो वापस आ ही रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक मनी का तो मैं श्योर हो गया। ठीक है, इन फ्यूचर टू टेक केयर ऑफ अनफॉर्सिन इवेंट, के भाई कल को कोई भी अनफॉर्सिन इवेंट मेरे साथ घट गया, कोई भी हैपनिंग हो गई, ठीक है, तो कम से कम कुछ पैसा तो मेरे पास वापस आ जाए। इंडिविजुअल्स इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ आर ऑलवेज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रिस्क, जो इंसान है, इंसान की लाइफ में कभी भी कैसा भी रिस्क आ सकता है। ठीक है, ये कोविड है, कोविड किसने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा कभी कुछ हो भी सकता है, कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, तो जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है उसमें कभी भी कुछ भी घट सकता है। ठीक है, कोई एश्योरेंस नहीं है इस चीज की। ठीक है, अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस ही करी गई थी किस लिए, एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की जो अनसर्टनिटी है, कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ नहीं पता, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट आपको कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए, कुछ आपको मदद मिल जाए। ठीक है, उससे आप प्रोटेक्ट हो सको। ठीक, अब मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, कोविड-19 में मान लो किसी के फैमिली का कोई पर्सन एक्सपायर हो गया, अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा होगा तो उसका जितना भी बिल रहा होगा वो उस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा चला जाएगा, या कम से कम उस पर्सन का कुछ पैसा उन लोगों को मिल जाएगा। देखो, जो पर्सन मरा है उसकी तो कीमत नहीं चुकाई जा सकती, लेकिन उस पैसे से फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, तो लाइफ इंश्योरेंस इसलिए भी लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसमें कि ये आपको एक हेल्प करता है एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टनिटीज, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री में नहीं बट रहा, कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनको प्रीमियम भर रहे हो, पैसा भर रहे हो, तब वो आपको कल को एक इकट्ठा सम ऑफ मनी दे रहे हैं। ठीक है, इन विच द इंश्योरर इज कंसिडरेशन ऑफ अ सर्टेन प्रीमियम, जिसमें इंश्योरर क्या कह रहा है कि भाई, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या कह रही है कि भाई कुछ एक सर्टेन प्रीमियम आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, इधर इन लमसम, चाहे इकट्ठा दे दो, लमसम दे दो, और इन पीरियोडिकल पेमेंट्स, टाइम के हिसाब से पेमेंट बांध लो। ठीक है, 1 महीने के 2 महीने किश्त बांध लो, हिंदी में समझे तो, उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। एग्रीज टू पे टू द एश्योर्ड, ठीक है, जो एश्योर्ड देगा, और द पर्सन फॉर हूज बेनिफिट द पॉलिसी, या वो पर्सन जिसको उस पॉलिसी का बेनिफिट मिल रहा है, मिल किसको रहा है, एश्योर्ड को तो मिल रहा है, वो तो इंश्योरेंस ले रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, is taken the assured sum of money on the happening of a specified event, कि भाई तुझे इतना पैसा मिल जाएगा अगर कल को तेरे साथ कोई भी happening हो जाती है, तेरे साथ कोई भी घटना घट जाती है, कोई भी एक specified event, ठीक है, कुछ भी हो जाता है तो तेरे को पैसा मिल जाएगा, contingent on the human life or the expiry of a certain period। अब देखो, ये बात भी नहीं होती कि भाई जब तेरे साथ कुछ घटेगा तभी तुझे पैसा मिलेगा,
ठीक है, उसमें क्या होता है कंडीशंस होती हैं, वो पॉलिसी में पढ़ेंगे हम कि भाई कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जो होल लाइफ है, ठीक है, कुछ ऐसी होती है जो आपको जिंदा रहते मिलेगी कि भाई आपकी जो पॉलिसी थी वो मैच्योर हो गई, अब मैच्योरिटी के बाद आपको उतना पैसा मिल गया, कुछ ऐसी होती हैं जो उस पर्सन के मरने के बाद ही मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड है कि मतलब उसमें ये कहा कह दिया जाती है इंश्योरेंस कंपनी कि भाई तू चिंता मुक्त हो जा, तुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है तुमने पॉलिसी कौन सी ली है, जिंदा रहते पैसा मिलने वाली या मरने के बाद पैसा मिलने वाली, ठीक है। सो दिस विल बी द लाइफ इंश्योरेंस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि जो टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे पास हैं, कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, उसमें सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज होल लाइफ पॉलिसी, जिसमें हम क्या करते हैं अपनी पूरी लाइफ की एक पॉलिसी ले लेते हैं। क्या है, इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट ऑफ पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। जो पर्सन है, मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है अमित, ठीक, इस अमित ने जो है ये होल लाइफ पॉलिसी ले रखी थी। अब जब ये पर्सन मरेगा, जब इस पर्सन की डेथ होगी, तब ही इसको तो मिलनेगा नहीं, ये तो मर चुका, यानी कि इसके जो आगे इसके नॉमिनीज होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको मिलेगा, ठीक। ये होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, जिसमें की आती है होल लाइफ पॉलिसी फर्स्ट, ठीक है। द अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट, जो पैसा उसको मिलना है ना वो उसको नहीं मिलेगा, उसकी डेथ से पहले नहीं उसको मिलेगा, उसकी डेथ के बाद मिलेगा, ठीक है, बिफोर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। द सम देन बिकम पेबल ओनली टू द बेनिफिशियरी, जो उसके आगे बेनिफिशियरीज हैं, जो उसके आगे नॉमिनी हैं, ठीक है, जो आगे के पर्सन है उसके, उनको पैसा दिया जाएगा। द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर अ फिक्स्ड, अब लेकिन ये नहीं है कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक प्रीमियम बढ़ता रहेगा, नहीं, उसका एक टाइम है कि भाई 20 साल तक 30 साल तक, ठीक है। तो जो प्रीमियम होता है वो आपको पे करना पड़ता है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक, वो डिपेंड होता है, वैसे नॉर्मली 20-30 ईयर्स तक का होता है, और फॉर द होल लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड, ये जिस तरह से उसने पॉलिसी ले रखी है, ठीक। If the premium is payable for a fixed period, the policy will be continued till the death of the assured. कि अगर जो premium है वो एक fixed period तक चल रहा है कि भाई ठीक है 20 साल तक या 30 साल तक, तो policy will continue till the death of the assured. तो policy जो है इसका मतलब ये नहीं कि उसने premium भर दिया mature हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब पैसा दे दो उसे, नहीं, जब वो उस person की death हो जाएगी उसके बाद उसके जो आगे beneficiary है, उसकी जो आगे nominee है, उसको पैसा मिलेगा, ठीक। ये बेसिकली पॉलिसीज वो पर्सन लेते हैं जो जैसे आर्मी में हो गए, है ना, या जिनको लगता है कि भाई हमारे ऊपर ही पूरी फैमिली डिपेंड है, अगर हमें कल को कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर वही लोग लेते हैं, ठीक। तो ये दिस विल बी द होल लाइफ पॉलिसी।